संभल के चंदौसी कोतवाली में आंत का ऑपरेशन कराने आई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी होते ही मृतका के परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। दरअसल पूरा मामला चंदौसी कोतवाली इलाके के सुभाष रोड पर स्थित मल्होत्रा नर्सिंग होम का है, जहां आंख का ऑपरेशन कराने आई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। मामले की जानकारी देते हुए मृतका के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में मल्होत्रा नर्सिंग होम के स्वामी डॉक्टर मनीष मल्होत्रा का कहना है कि महिला की आंख खराब हो गई, जिसकी वजह से उसके पेट में संक्रमण हो गया था, जिस कारण महिला की मौत हो गई। अस्पताल में हुई है इसमें। क्या नाम है अस्पताल का? अच्छा, क्या परेशानी थी इनको? इनके पेट में दर्द हुआ था, इनने कही थे आंख बस्ट हो गई है, तो आंख का ऑपरेशन करा था। ऑपरेशन की वजह से तो कुछ बताया नहीं, सुबह एडमिट कर ली 8 बजे और 6 बजे ऑपरेशन पे लगाया था। अच्छा अच्छा, शाम को 6 बजे। हाँ, तो अब ये किस समय खत्म हुई है? जो सुबह खत्म हो गई, कह रहे कि दवा करा रहे हैं, तो कह रहे हैं इन्फेक्शन फैल गया। अच्छा, ऑपरेशन होती का नहीं। कौन है आपकी जो खत्म हुई है? ये मेरे छोटे भाई की बीवी है। जो महिला थी रीनू नाम है, और वो बिसोली से आई थी, उसकी आंख में इन्फेक्शन और आंख बस्ट हो गई थी, इंटेस्टाइन परफोरेशन। 6-7 दिन से वो बीमार थी। कई हॉस्पिटल में दिखाने के बाद आई हमारे हॉस्पिटल में, तो मैंने उनको बोला कि इसका ऑपरेशन होना है, और अपने सर्जन को दिखाया तो सर्जन ने बोला ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन को कर दिया गया, ऑपरेशन सफलपूर्वक हो गया। इंटेस्टाइन अंदर से गल गई थी, उसका कुछ हिस्सा निकालना पड़ा था मजबूरी में, और वो हिस्सा इनके परिवारजनों को दे दिया था कि आगे टेस्ट के लिए जाएगा। पेशेंट का ऑपरेशन कल शाम को 6 बजे हो गया था, उसके बाद वो सही थी। रात को तकरीबन, रात नहीं, सुबह 6 बजे करीब उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब होने लगी, उसको उसके लिए दवाइयाँ दी गई, पर वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। ये सोचा कि उसके घर वाले आ जाएंगे, कुछ लोग थे नहीं कि खून की व्यवस्था हो तो ब्लड चढ़ाया जाए, पर उनके घर में लेडीज थी, अब वो ब्लड जैसी समस्या को बोले घर के को लोग नहीं है, जब आ जाएंगे तब वो चढ़ाया जाएगा। इस बीच में पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई।